मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति चाहता है और सामाजिक जीवन में क्रांति चाहता है। अगर सामाजिक जीवन में क्रांति नहीं बनेगी तो व्यक्तिगत जीवन में शांति भी नहीं रहेगी, और व्यक्तिगत जीवन अगर शांत नहीं है तो समाज के लिए भी आप कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकते। इन सभी के लिए सत्संग अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, यही तो वो साधन है कि जिस साधन के द्वारा स्वयं परमात्मा दूर जीवों को नजदीक करता है। जो विमुख हो गए हैं उसको सन्मुख कर लेते हैं, जो भटके हुए हैं उसको रास्ते पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के द्वारा ही, कथाओं के द्वारा ही। गिनती करना मुश्किल है कि कितने लोग रास्ते पर आ गए, कितने लोग सम्मुख हो गए। स्वयं को परमात्मा से दूर समझने वाले लोग निकटता का अनुभव करने लगते हैं सत्संग से। क्योंकि ईश्वर का जीवों को अपने पास बुलाने का तरीका है श्रीमद् भागवत। जब आप किसी को बुलाओ जो दूर है या फिर जो आपसे विमुख खड़ा है, उसको आप जब बुलाओगे अपनी ओर, तो अपना अपना कोई तरीका है उसको बुलाने का। कोई संत महात्मा एक दूसरे को अपनी ओर बुलाते हैं तो राधे राधे कहकर बुलाते हैं, श्री कृष्ण कहकर बुलाएंगे, सीताराम कहकर के अपनी ओर बुलाने का प्रयास करेंगे। मतलब कि हम आपको बुला रहे हैं, आप इधर देखो। तो संतों का अपना तरीका है एक दूसरे को अपनी ओर बुलाने का। हम सभी का अपना अपना तरीका है, जो विमुख है उसको अपनी ओर सम्मुख करने का। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का तरीका है, जो विमुख है उसको अपनी ओर बुलाने का तरीका है श्रीमद् भागवत। भगवान भागवत के द्वारा ही विमुख को सन्मुख कर लेता है, दूर के जीवात्माओं को नजदीक कर लेता है। परमात्मा से दूर कोई होता नहीं है, लेकिन हम लोग जो दूरी महसूस कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कहां ईश्वर, कहां हम, तो बहुत दूर है भगवान से। तो जो दूरी हम लोग महसूस कर रहे हैं परमात्मा से दूर है या फिर हम परमात्मा से दूर है, ऐसे दूरी महसूस करने वाले लोग श्रीमद् भागवत के द्वारा धीरे धीरे ईश्वर की निकटता महसूस करने लगते। परमात्मा से स्वयं को दूर समझने वाले लोग पाप कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को परमात्मा के करीब समझने वाले लोग नहीं कर सकते। विमुख स्थिति में अपराध हो सकते हैं, लेकिन सन्मुख स्थिति में अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति चोरी के लिए जाता है और उसको मालूम है कि कोई है, कोई उसको देख रहे हैं, उस स्थिति में चोर भी चोरी नहीं कर सकता। वह
अपनी अपराध वृत्ति को दबा करके रह जाएगा, लेकिन जब उसको मालूम है कि कोई है, कोई देख रहा है, उस स्थिति में चोर चोरी नहीं कर सकता, अपराधी अपराध नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब विमुख जीवात्मा सम्मुख हो जाती है, तो उस अवस्था में चाह कर भी पाप नहीं कर सकता कोई। उसकी पाप वृत्ति जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, उस पर रुकावटें आ जाएगी जब जब वो सन्मुख हो जाता है। लेकिन सत्संग के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा जब कोई विमुख जीव सन्मुख हो जाती है, तो भागवत कहता है कि इस जन्म के पहले जो पाप हुए वो समाप्त हो जाते हैं, इस जन्म में जो पाप हुए हैं उसकी भी समाप्ति हो जाती है, और पाप वृत्ति समाप्त हो जाने के कारण भविष्य के पापों की भी संभावना समाप्त हो जाती है। भागवत कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं। कोटि जन्म कृतं पापं, करोड़ों जन्मों में जो हुआ है वो सब, कोटि जन्म कृतं पापं नश्यते नात्र संशय। कोई संशय नहीं इसमें,